के बली जोर गांव में दहेज के लिए युवती अली मुन्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। अली मुन्नी का मायका इटिया थोक थाना क्षेत्र भवनियापुर उपाध्याय गांव में है। अली मुन्नी के पिता इकबाल अहमद का कहना है कि उसकी पुत्री की शादी 4 साल पहले खरगुमर थाना क्षेत्र के भली जोर गांव निवासी अफाक अहमद के साथ हुई थी। पिता का आरोप है कि 27 मार्च की रात उसकी पुत्री अली मुन्नी के ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी और जब मैं बाद में पहुंचा तो मुझसे जबरदस्ती कागज पर अंगूठा लगवा लिया गया। पिता इकबाल का आरोप है कि अली मुन्नी के ससुराल वाले दहेज के रूप में 1 लाख मांग रहे थे, ना देने के कारण उसकी पुत्री को मार डाला। मामला गंभीर होता जा रहा था, इसलिए पिता इकबाल अहमद की तहरीर पर ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और फिर 4 दिन बाद पुलिस वालों के पहुंचने पर गांव वाले इतने दहशत में थे कि सभी लोग अपने घरों पर ताले लगाकर गांव से फरार हो गए। फिलहाल डीएम डॉक्टर जेकब के आदेश पर नायब तहसीलदार मोहम्मद जसिम की उपस्थिति में अली मुन्नी की लाश खोद कर बाहर निकाली गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसका क्या जो है क्या नाम है, ये मृतका थी जो इसके पिता ने जो है क्या नाम है यह तहरीर दिया, एफआईआर दर्ज कराया कि दहेज कारण मेरी बेटी को जो है मारा गया है। सब कुछ सभी कपड़ा लगता और कब्रिस्तान सब पर सब इंतजाम किया जैसा है, सब इंतजाम किया रहे। हम यहाँ पर पैसा सड़की पैसे उठा थे, हमें बहुत से मनी जो डबो डाई के और घेर के हमसे अंगूठा लगवाए। कैमरामैन परवेज खान के साथ शैलेंद्र कुमार प्रजापति की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश, गोंडा।